सत श्री अकाल, जोश इंडिया टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। पंजाबी दुनिया प्राइम टाइम न्यूज विच देश दुनिया दी तमाम बड़ी खबरां दा मैं हूं दीपा सक्सेना। आओ सब तो पहले नजर पाउंदे हां की हाल अज दी मुख्य सुर्खियां। अंबेडकर जयंती मौके मुख्यमंत्री ने एससी असामियां पहल दे आधार ते भरन अते एससी बस्तियां लई पेंडू लिंक सड़कां दे 500 करोड़ दी लागत वाले प्रोजेक्ट दा भी कीता ऐलान। तंदुरुस्त पंजाब सेहत केंद्र दे संचालन लेके पंजाब देश दा मोहरी सूबा बनिया। गैस सिलेंडर ब्लास्ट नाल दहलिया जलंधर दा संतोषी नगर, एक दी हुई मौत, औरत ते बच्चा पूरी तरह झुलसे। केंद्रीय मुलाजमान की खुशखबरी, 28% होगा डीए, सैलरी ते पेंशन दोवें वधनगियां। टीका उत्सव के चौथे दिन भारत की कुल टीकाकरण कवरेज पिछले 24 घंटे दी गई 26 लाख तो वध खुराकां 11 करोड़ तो वध हुए। कोरोना ट्रेन दिया गाइडलाइंस जारी, यात्रा करने तो पहला चालू भारतीय रेलवे की नवी गाइडलाइंस की है। बीती रात आईपीएल 2021 के 6वें मैच में विराट कोहली की टीम ने मारी बाजी, लगातार दूजी जीत दर्ज। टिकटॉक के मालिक चांग हिमिक का नाम दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में होया शामिल। हुण पेश है खबरों का विस्तार। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को श्रोमणी अकाली दल और भाजपा वालों चुने जाने की सूरत में सरकार में दलित आगुओं को क्रमवार उप मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री बनाए जाने के वादों को बेतुके चुनावी हथकंडे दसिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों पार्टियां जिन्होंने अपने शासन काल दौरान एससी भाईचारे के लिए कुछ भी नहीं किया, पिछले माड़े रिकॉर्ड को जेकर देखा जाए तो यह साफ है कि श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी 10 वर्षों दौरान सूबे दलितों की भलाई यकीनी बनाने में नाकामयाब रही हैं। 2022 दी चोणां ते अख रखते हुए दलित भाईचारे नूं भरमाउण दे लई सियासी ड्रामेबाजी ते उतर आईआं हन। अंबेडकर जयंती मनाउण दे लई वर्चुअल सूबा पद्धरी समागम दौरान बोलदिआं मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हां दी सरकार ने सत्ता संभालण तों तुरंत बाद एक एक करके एससी भाईचारे दे नाल कीते सारे चोण वादिआं नूं पूरा करन दा अमल शुरू कीता। सूबा पद्धरी वर्चुअल समागम दौरान भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. भीम राव अंबेडकर नूं उन्हां दे 103वें जन्म दिहाड़े मौके श्रद्धा दे फुल भेंट करते हुए मुख्यमंत्री ने सारे विभागों दे विच एससी असामियां दा बैकलॉग पहल दे आधार उत्ते भरन दा ऐलान कीता। इस दे नाल ही मुख्यमंत्री ने सियाजी राव गायकवाड़ तीजे वालों स्थापित स्कीम तहत बाबा साहेब नूं दित्ती गई बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप स्कीम दी तर्ज उत्ते एससी विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम दीआं संभावनावां तलाशण दा भी वादा कीता। मुल्क लई डॉक्टर अंबेडकर दी लामिसाल योगदान नूं चेते करांदिआं होइआं मुख्यमंत्री ने कहा कि उह इक सूबेदार दे पुत्तर सन ते बहुत सख्त मेहनत दे नाल तालीम हासिल कीती, जबकि उस वेले बहुते लोग स्कूल भी नहीं सी जांदे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी अते लंडन स्कूल आफ इकोनॉमिक्स तों पढ़ाई करन मगरों उन्हां नूं ग्रे इन लंडन विखे बुलाया गया। मुंबई विच सिडहैम कॉलेज आफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स विच पोलिटिकल इकोनॉमी दे प्रोफेसर भारत दे पहले कानून मंत्री बनन तों पहलां बॉम्बे हाई कोर्ट विच प्रैक्टिस कीती अते उस तों बाद संविधान दी ड्राफ्टिंग कमेटी दे चेयरमैन बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हां नूं एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति नूं श्रद्धांजलि दिंदे हुए फख्र महसूस हो रहा है, जिन्हां ने संविधान दा खरड़ा तैयार कीता जिसके अनुसार मुल्क अज भी चल रहा है। इस मौके मुख सकत्तर विनी महाजन ने दलितों की भलाई के लिए सूबा सरकार वालों चुके गए कदमों का जिक्र किया। कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों शगन स्कीम की राशि बढ़ाने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जिसन की केंद्र ने बंद कर दिता से बहाल करने समेत चुके गए कदमों की शलाघा की। केंद्र सरकार वालों जारी तंदुरुस्त पंजाब सेहत केंद्र संबंधी तीजे वरेगंढ के मौके से जारी किए गए वक् वक् सूबों की सूची में पंजाब को एक बार फिर सेहत केंद्र के बेहतरीन संचालन के लिए मोहरी सूबा ऐलान दिया गया है। इस गल का प्रगटावा सेहत ते परिवार भलाई मंत्री पंजाब दे सरदार बलबीर सिंह ने एक प्रेस बयान दे राही कीता। सेहत मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार वालों साल 2021 दे विच दिते गए 1435 तंदुरुस्त पंजाब सेहत केंद्रां नूं शुरू करन दे टीचे तों कई गुणा वध 180% टीचा प्राप्त किया गया है। मिशन डायरेक्टर NHM श्री कुमार राहुल ने जानकारी देते हुए दस्सिया कि कोविड 19 महामारी दौरान कम्युनिटी हेल्थ अफसर अते तंदुरुस्त पंजाब सेहत केंद्र दीआं टीमां देहाती आबादी नूं म्यारी ओपीडी अते कोविड 19 संबंधी सेवावां मुहैया कराउण दे लई वरदान साबित होईआं।
उधर शहर जलंधर के कासी मंडी विच सोडा बेचण वाली वैन दे विच रखिया सिलेंडर फटन दे नाल वैन चालक की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप दे विच जख्मी भी हो गया। जानकारी के अनुसार सोडा बेचण वाली वैन लैके एक व्यक्ति कासी मंडी वल जा रहा सी, अचानक वैन दे विच लगा सिलेंडर फट गया, जिस नाल उस व्यक्ति दे चीथड़े उड़ गए ते वैन दे लागे खड़ा एक व्यक्ति पूरी तरह झुलस गया। सिलेंडर फटन नाल इलाके दे विच दहशत दा माहौल है। हादसे दे विच एक व्यक्ति दी मौत हो गई है, जबकि एक महिला अते बच्चा बुरी तरह झुलस गया है। बच्चे दी हालत बेहद गंभीर दसी जा रही है। दस दई कि पिछले दिनी शहर दे भगत सिंह कलोनी दे विच भी लगभग इथे दर्जन गैस सिलेंडर फटन दे नाल भारी नुकसान होया सी। 50 लाख केंद्रीय मुलाजमां ते 65 लाख पेंशनरां दे लई वड्डी राहत दी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार 1 जुलाई 2021 तो केंद्रीय मुलाजमां दा महंगाई भत्ता मुड़ तो शुरू करन जा रही है। मीडिया रिपोर्ट मुताबिक अजे मुलाजमान नूं 17% दी दर दे नाल DADR मिलता है, जो कि वध के 28% हो सकता है। पिछले महीने ही वित्त सूबा मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा दे विच लिखित जवाब दे विच दस्या सी कि 1 जुलाई तो केंद्र सरकार दे सारे मुलाजमान नूं DA दा पूरा फायदा मिलेगा। उन्हां नूं जनवरी तो जून 2021 तक दिल्ली फ्रीज किए गए DA दे नाल इस विच कोई वादे का पैसा भी दिता जाएगा, जो कि 17% तो 28% हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ने ताजा आंकड़े दस्या है कि जनवरी तो लैके जून 2021 की म्याद के लिए DA दे विच घट्टो घट 4% वाधा हो सकता है। जनवरी तो जून 2020 3% ते जुलाई तो दिसंबर 2020 दे लई DA दे विच 4% वाधे दा ऐलान होया सी। इस तो इलावा पिछले साल भी कैबिनेट ने DA 4% वधाउण ते हामी भरी सी। इन्हां सारे ऐलानां नूं मौजूदा DA दे विच जोड़ दित्ता जावे तां इह 28% तक पहुंच जावेगा। ते उधर केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन दी ज्यादातर सीमा लगभग 2.5 गुणा तक वधा दित्ती है। इस नूं वधा के हुण 1.25 लाख रुपए प्रति महीना कर दिता गया है, जबकि अजे तक फैमिली पेंशन की ज्यादातर सीमा 45,000 रुपए प्रति महीना सी। देशव्यापी टीका उत्सव बीते दिन चौथे दिन दे विच शामिल हो गया है। देश दे विच लगाईयां गईयां COVID-19 वैक्सीनेशन दी खुराकां दी संपूर्ण गिनती 11 करोड़ तों पार कर गई है। बीती सवेर 7 बजे तक देश दे विच आरजी रिपोर्टां दे अनुसार कुल मिला के 16,53,488 सैशनां दे राही COVID-19 टीकियां दी कुल 11,11,79,578 खुराकां दित्तियां गईयां। देश ने कोविड केसों के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई तहत कल एक होर मील पत्थर नूं हासिल कर लिया। देश ने 26 करोड़ के टेस्ट आंकड़े नूं पार कर लिया। सही आंकड़ा उस समय तक 26,06,18,866 ते खड़ा सी। पिछले 24 घंटे किए गए टेस्टों की गिनती 14,11,758 दर्ज की गई। टेस्टिंग समर्था प्रतिदिन 15 लाख टेस्ट करने तक वधाया गया है। भारत में रोजाना नवे पुष्टि वाले मामलों में वाधा दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे दौरान 1,84,372 नवे केस दर्ज किए गए हैं। भारत में कुल एक्टिव मामलों की गिनती 13,65,704 तक पहुंच गई है। यह हुण देश के कुल एक्टिव मामलों का 9.84% बनता है। खबर लिखे जाने तक पिछले 24 घंटे दौरान कुल एक्टिव मामलों की गिनती में 1,01,006 केसों का सीधा वाधा दर्ज किया गया है। भारत में रिकवरी की कुल गिनती बीते दिन 1,23,36,036 हो गई है। कौमी रिकवरी की दर 88.92% बनती है। पिछले इस समय दौरान तक 82,339 रिकवरी के मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे दौरान 1,027 मौत रिपोर्ट हुई हैं। 10 राज्यों के वलों नवीं दर्ज की गई मौतों में 86.08% का वाधा पाया जा रहा है। महाराष्ट्र के सब तो वध 281 मौत दर्ज हुई हैं। इस तो बाद छत्तीसगढ़ रोजाना 156 मौत रिपोर्ट की गई हैं। IPL 2021 के 6वें मैच में लगी रात SRH और RCB विचाले विराट कोहली की टीम ने बाजी मार ली है। रेड आर्मी की यह लगातार दूजी जीत है। 150 दौड़ों के टीचे का पीछा करद्या सनराइजर्स हैदराबाद ने डाक ओवरों के 9 विकेटां गुआउण तों बाद सिर्फ 143 दौड़ां नूं गुआ सकी। ऑरेंज आर्मी के लिए डेविड वार्नर ने सब तो वध 54 दौड़ां बनाईयां। इस तों इलावा मनीष पांडे ने 38 दौड़ों की पारी खेडी। इस तों पहला आरसीबी ने निर्धारित 20 ओवरों के 149 दौड़ां बनाईयां। ग्लेन मैक्सवेल ने सब तो वध दौड़ां बनाईयां, उसने 41 दौड़ों के 59 दौड़ों की पारी खेडी। इस दौरान उसने 5 चौके अते 3 छक्के लगाए। इस तो इलावा विराट कोहली ने 33, शहबाज अहमद ने 14 अते कायल जेमिसन ने 12 दौड़ों का योगदान दिता। शहबाज अहमद ने कौमी रेट गेंदबाजी करद्या हैदराबाद के 3 बल्लेबाजों नूं वापस पवेलियन भेजा। उसने 2 ओवरों के सिर्फ 3.50 दी कौमी रेट से 7 दौड़ा बनाईया। मोहम्मद सिराज अते हर्षल पटेल ने भी 2 विकेटां लाईया। इस दे नाल ही कायल जेमिसन ने भी 1 विकेट हासिल किया।
ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾਰੁਲ ਇਫਤਾ ਫਰੰਗੀ ਮਹਿਲ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਫਰੰਗੀ ਮਹਿਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਤਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰੁਲ ਇਫਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਫਤਵੇ ਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਖਾਲਿਦ ਰਸੀਦ ਫਰੰਗੀ ਮਹਿਲ, ਮੌਲਾਨਾ ਨਸਰੁੱਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਦੀ। ਟਿਕਟੋਕ ਐਪ ਨੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਚਾਂ ਯਿਮਿੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟੋਕ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਬਾਈਟ ਡਾਂਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਚਾਂ ਯਿਮਿੰਗ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜੋਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵੀਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।